आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कैसे बोले कि जिससे लोग आपको सुनना चाहे। हम आपके साथ तीन इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे। सबसे पहले टिप, हमें क्लैरिटी के साथ बोलना है और साथ साथ लॉजिकल कंटेंट रखना है। बोलने में सबसे ज्यादा जो चीज लोगों के द्वारा पसंद की जाती है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। लोगों को वो पसंद आता है कि आप कितनी क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं। मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से ये बता रहा हूं। जब आप लोगों के सामने क्लैरिटी के साथ, मतलब कि स्पष्टता के साथ बोलते हैं, तो लोग आपकी बातें पसंद करते हैं। आपकी बातें पसंद करते हैं मतलब कि आपके बोलने का तरीका पसंद करते हैं। यहां पर पहले ये समझते हैं कि स्पष्टता का मतलब क्या होता है। स्पष्टता का मतलब होता है कि आपको सभी शब्द क्लियरली बोलने हैं और सभी शब्दों के अक्षर भी क्लियरली बोलने हैं। मतलब कि सभी शब्द लोगों के कान तक पहुंचने चाहिए और सभी शब्दों के अक्षर भी लोगों के कान तक पहुंचने चाहिए। अगर आप इस तरह से बोलते हैं तो मतलब ये होता है कि आप क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं। साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि हमें बोलते समय लॉजिकल कंटेंट रखना है। लॉजिकल कंटेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ कैसे बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं यह भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो कुछ भी बोलते हैं, अननेसेसरी बातों को रखते हैं, इलॉजिकल पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो बोलने में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बोलने में आप सारी बातों को लॉजिकली कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति आपको लंबे समय तक सुनेंगे। तो हमेशा ये पहले टिप का ध्यान रखिए कि हमें लोगों के सामने क्लैरिटी के साथ बोलना है और लॉजिकल कंटेंट के साथ अपनी बातें रखनी है। अभी आप मुझे सुन रहे होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे सभी शब्द और सभी शब्दों के अक्षर आपके कान तक बहुत ही अच्छे से पहुंच रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और कैसे बोले कि जिससे लोग हमें सुनना चाहे, उसके लिए जो दूसरी सलाह है वो यह है कि आपको अपनी बातें स्टेप बाय स्टेप रखनी है और पोजेस का इस्तेमाल करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी बोल रहे हैं तो ये जरूरी होता है कि लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए। जब आप कनेक्ट होंगे तभी लोग आपकी बातों को सुनेंगे। लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को हम हमारे साथ साथ लेकर चले। मतलब कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें लोग आपके साथ साथ चले। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, पहले बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप बोलने की। तो आपको करना यह है कि जब भी आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप बोलना है। बहुत बार लोग एक बार में सब चीजें कह देते हैं और लोगों को समझ में भी नहीं आती है, इंटरेस्ट भी नहीं आता है, लोग उनके साथ साथ चल नहीं पा रहे होते हैं। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप अपनी बातों को कहिए। पहले एक पॉइंट को बताइए, बाद में दूसरे पॉइंट को बताइए, उसके बाद थर्ड पॉइंट को रखिए और ऐसे अपनी बातों को कहते रहिए। तो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप आंसर करना बहुत आवश्यक है। अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप रखने के लिए हमारी बातें, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट वेपन बताने जा रहा हूं कि जो आपको यूजफुल होगा, मतलब एक शस्त्र है कि जो आपको उपयोगी हो पाएगा, और वो है पोजेस का इस्तेमाल करना। आपके बोलने में बीच बीच में पोजेस लेते रहिए। पोजेस लेना मतलब कि शॉर्ट ब्रेक लेने, छोटे छोटे ब्रेक लेने। तो हमें करना ऐसा है कि जैसे हमने एक पॉइंट को रख दिया, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट रखिए, फिर छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर तीसरा पॉइंट रखिए, फिर छोटा सा ब्रेक लीजिए, ऐसे बोलते जाइए।
प्लस में आप जब पहले पॉइंट को रख रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिए, बाद में ब्रेक लीजिए, वापिस थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिए, ब्रेक लीजिए, वापिस थोड़ी इंफॉर्मेशन रखिए, ब्रेक लीजिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो जब आप पोजेस के साथ बोलते हैं तो लोगों को वो पोज के टाइम पर, मतलब ब्रेक के टाइम पर, अपने दिमाग में जो आपने कहा उसे प्रोसेस करने का टाइम मिल पाता है। उसके कारण लोग आपके साथ साथ चल पाते हैं, आपके साथ साथ चल पाते हैं लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, और आपको कनेक्ट हो पाते हैं तो लोग आपको आगे भी सुनते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक और महत्व की बात बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा चाहते कि लोग आपको सुने तो आपको लोगों को भी सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद ही बोलते रहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को सुनते ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप सामने वाले व्यक्ति को सुनेंगे तो वो भी आपकी बातें सुनेंगे, तो सुनने की भी हैबिट अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कैसे बोले कि जिससे लोग हमें सुनना पसंद करें, उसके लिए जो तीसरी और आखिरी हमारी तरफ से सलाह है वो यह है कि आप अपने बोलने में लाउडनेस और पिच का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो बोलते इतने स्लो वॉल्यूम में है कि उनकी बातें ठीक से सुनाई नहीं देती है। जब ऐसे लोग होते हैं ना हमारे सामने तो हमें बहुत इरिटेशन महसूस होता है। आपको मैं कह रहा हूं कि हमें इरिटेशन महसूस होगा, तो इरिटेशन महसूस होगा तो उसके कारण जाहिर सी बात है कि उनको सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो पहले तो वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड रखिए, लाउडनेस के साथ बोलिए। आवाज जब आपकी लोगों तक पहुंचेगी तभी तो लोग पहले सुन पाएंगे, तो लाउडनेस के साथ बोलना है ये ध्यान में रखिए। साथ साथ लाउडनेस के साथ जब हम बोलते हैं तो लोगों को नेचुरली सुनना अच्छा लगता है, लोगों को नेचुरली सुनना अच्छा लगता है, तो प्रॉपर वॉल्यूम तो होना ही चाहिए। प्लस में पिच का इस्तेमाल करो, मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही नहीं लेकिन सभी शब्दों को भार देकर बोलो। जब आप शब्दों को भार देकर बोलते हो तो आपके शब्द लोगों को इंपॉर्टेंट लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगेंगे तो लोग सुनेंगे आपको। तो हमें पिच के साथ हमारी बातें रखनी है, उसे भी ध्यान में रखना है। अभी मैं आपके सामने जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सब कुछ पिच के साथ बोल रहा हूं। अभी मैं जो भी शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं उसमें आप देखते होंगे कि सभी शब्दों के ऊपर मैं थोड़ा भार दे रहा हूं, तो ऐसे ही हमें रूटीन में भी बोलना है। आप ये भी महसूस कर पा रहे होंगे कि मेरी लाउडनेस उतनी है कि जिससे आपको मेरी बातें सुनाई दे, तो उतनी लाउडनेस भी रखनी चाहिए। साथ साथ इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया, तो मैंने खुद अपने उस रूल को फॉलो किया हुआ है। मैं खुद भी बीच में पोजेस लेते रहता हूं ताकि आप भी मेरी बातों को समझ सके, मेरे साथ साथ चल सके। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये तीन टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप ऐसे बोल पाएंगे कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट कम्युनिकेटर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।